Hello guys, welcome to the today's vlog. So आज मैं आपको बताई थी कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, सो मुझे कुछ पैक वगैरह करना है. सो सुबह से मैं व्लॉग करने की ट्राई की थी बट मेरे से नहीं हो पाया. सो अभी मैं निकलने वाली हूँ और यहाँ पे मम्मी थोड़ा रोने लगी है क्योंकि मैं जा रही हूँ, ऑब्वियस बात है ये. और अभी तो मेरे से भी ज़्यादा मम्मी का जान है मेरा बेटी यानी खुशी. सो खुशी सोई थी और वो माँ उसे उठा के लेके जा रहा है और हाँ भाई भी हमारे साथ जा रहा है. सो मैं कहाँ जा रही हूँ वो तो मैं बाद में आपको पता चल ही जाएगा. जो मेरे पुराना व्यूअर्स है उनको लोकेशन देख के ही पता चल जाएगा. और यहाँ पे खुशी बात कर रहा है सो उसका बात भी आप लोग को सुनाई दे रहा होगा. सो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे सामने खेल रही है, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो मैं कहीं पे जाके बात करूँ. अभी हम निकलने वाले हैं. मेरे हाथ में कुछ सामान वगैरह है और पूरा गाड़ी जो है फुल है, फिर भी हाथों में थोड़ा सा सामान है. और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेंटी हो गई थी इसलिए आपसे बात नहीं कर पाई, पर कैमरा तो कर रही थी. तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आप सबको कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ. ये है हमारे घर के पड़ोस के दीदा, मेरी माँ आगे है, मेरे काकी आगे हैं और गाड़ी गाड़ी में सारा सामान लोड हो गया है. और यहाँ पे खुशी कॉन्टीन्यूसली बात करी जा रही है. तो कुछ दिन रह के मायके छोड़ के जाने का मन नहीं होता है, मम्मी भी रो रही है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा. तो हम अभी निकल पड़े हैं अपनी सवारी लेके. ये हमारे घर के सामने का रास्ता है. तो चलिए मैं जितना हो सके मैं आप सबके साथ मेरे रोड ट्रिप शेयर करूँगी. और यहाँ पर पीछे देखिए सारा सामान ही सामान है. कहीं पे भी जाऊँ ना तो इतना सामान हो जाता है, गाड़ी छोड़ कर चलना ही मुश्किल हो गया. और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रो रही थी और खुशी भी थोड़ा सा सैड था क्योंकि वो सो के उठी थी अभी और उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था. वो उसे भी समझ में आ गया था कि वो उसकी दीदों के छोड़ के जा रही है. अभी हम रुके हैं हंसका मोड़ में. मैं कुछ गलती हो गया, गलती तो नहीं, मैं भूल गई थी एक्चुअली मार्क्स लेने में. भाई को मैं भेजी हूँ मार्क्स लेने के लिए. भाई मार्क्स लेके आते ही हम यहाँ से निकल पड़ेंगे. और यहाँ पे है एक छोटा सा चर्च, ये हंसका मोड़ में ही है. तो अभी भाई चला आया तो अभी हम चलेंगे. चलिए. और ये मैं हूँ और मेरे साथ है खुशी. और मैं इस तरह के से इस तरीके के मार्क्स पहली बार पहनी हूँ तो खुशी अजीब तरीके से मुझे देख रही है और सोच रही है मम्मी ने ये क्या पहन लिया. चलिए चलते हैं, हमारा जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से.
अभी हम घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं एक हिल स्टेशन में जहाँ का नाम है कर्शियंग, जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं। उसे कर्शियंग अच्छे से पता होगा, जो बाहर के हैं उनको नहीं पता है। तो कर्शियंग एक हिल स्टेशन है, और मैं जहाँ पे जा रही हूँ कर्शियंग क्रॉस करके जाऊँगी। और मैं आप लोग एक हिंस दे देती हूँ, मैं जहाँ पे जाऊँगी वो नॉर्थ बंगाल का जान है, तो आप समझ लीजिए मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ पे ये एक व्यू पॉइंट है, तो यहाँ से अच्छा सा फॉगी अच्छा लोकेशन दिखता है। तो भाई को मैं वही भेजी थी थोड़ा सा आप लोगों के लिए कैप्चर करने के लिए। और गाड़ी आगे रुका हुआ है, वो रहा हमारा गाड़ी। तो अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जब रोहिणी से आप कर्शियंग तक आते हैं तो उनका जो लोकेशन है तो बहुत अच्छा सा लोकेशन होता है यहाँ पे। चारों तरफ फॉगी फॉग, देखने में इतना कूल सा फील होता है, इतना फ्रेश लगता है, फ्रेश नेचर है। इतना फ्रेश नेचर में एयर लेने में बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा फील होता है। जो जो नहीं आया है कभी भी, प्लीज़ एक बार आइएगा आके यहाँ का वेदर का मज़ा लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करके मैं थोड़ा चुपचाप से मैं चलती हूँ, आप लोग को ये लोकेशन दिखा के लेके जाती हूँ। ये अभी हम कर्शियंग जो मेन रूफ टॉप है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए थोड़ी देर में फिर आप सबसे बातें करती हूँ। अभी हम कर्शियंग क्रॉस करके सोनादा की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। कर्शियंग क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा फॉग कम होता है, फिर सोनादा पहुंचने से पहले दिलाराम के पास बहुत ज़्यादा सा फिर फॉगी दिखाई दिखाई मिल दिखा देखने को मिलता है। तो गाइस
ये तो मैं बस आप लोगों को मैं रिकॉर्ड की थी और वॉइस ओवर मैं घर यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं की हूँ। सो यहाँ तक तो मैं वीडियो अच्छे से कर पाई थी। सो जब से मेरे साथ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जब से खुशी हुई है तो मेरे साथ गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव में जाने से ना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मुझे अभी वैसे टेंडेंसी आना शुरू हो गया, तो मुझे नहीं लगता है मैं आगे ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगी। सो अभी जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर पहुँचते हुए आधा घंटा अभी लग जाएगा, आधा घंटे से ऊपर ही लगेगा। सो मैं शायद पूरा जहाँ तक मैं जा रही हूँ वहाँ तक का वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। सो जितना हो पाए मैं आप सबको दिखाते जाऊँगी। और मुझे थोड़ा सा तबीयत जो है थोड़ा बिगड़ने लगी थी इस टाइम, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई थी। जितना भी है ये भाई को मैं दी थी करने के लिए। सो भाई भी कर तो रही थी बट खुशी भाई के साथ था ना, तो उसे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए ज़्यादा वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो जितना है जितना हो सके वो की है, बट जहाँ तक मैं आई हूँ वहाँ तक का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर देट। सो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो अगर हो सके तो अच्छा से करूँ। सो मैं मेरे घर से यहाँ तक के आने का टाइम लगता है गाड़ी में 3 घंटा लगता है। अपने खुद का कार हो तो अगर आप शेयरिंग कार में आए तो आपका 3.5-4 घंटा लग जाता है। सिलीगुड़ी से आएंगे तो आपका 3 घंटा लगता है, बट मैं तो सिलीगुड़ी से भी दूर से आई हूँ ना, सो वहाँ से मेरा 3.5-4 घंटा लग जाता है। सो यहाँ से फिर से फॉग शुरू हो गया क्योंकि अभी हम सुनादा रुकने वाले हैं। सो यहाँ से जो वेदर है बहुत अच्छा दिखने मिलता है। तो जो जो कभी भी इधर नहीं आए हैं हिल स्टेशन, अगर किसी को आने का मन हो सो आप लोग आ सकते हो। और आफ्टर लॉकडाउन मैं आज पहली बार जा रही हूँ, सो वहाँ का क्या है क्या चाहिए नहीं वो सब मैं बताऊँगी। सो यहाँ पे होटल में रहने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, क्या क्या रूल्स है वो सब मैं एक ब्लॉग में बताऊँगी। सो एज यू नो जो जिसको पता है कि पहले से आप लोग मुझे देखते हैं उनको पता है कि मेरा होटल है यानी लीज में चलाती हूँ मैं, और जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि हमारा मैं जहाँ पर जा रही हूँ सो वहाँ पर एक होटल है। सो अगर आप लोग आने का इंटरेस्ट हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा। सो गाइस मैं इस व्लॉग को ज़्यादा दूर नहीं ले पाऊँगी, मुझे थोड़ी देर बाद ही इस व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मुझे यहाँ पे एंड करना होगा थोड़ी देर बाद। सो मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं पूरा ट्रिप मैं नहीं दिखा पाई। सो जितना हो सके मैं कोशिश की, बस सुनादा तक मैं कोशिश की हूँ, सुनादा के बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो एक्चुअली मैं क्या भाई ने रिकॉर्ड किया था। सो गाइस आप लोग कोई भी अगर आने के लिए इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं अभी। और मेरा होटल का डिटेल्स मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। तो गाइस मेरा ये वाला रोड ट्रिप वाला ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और मैं आज फिर आप सबसे और नहीं मिलूँगी, सुबह से मैं कैमरे पे नहीं आई हूँ, अभी भी कैमरे पे नहीं आ सकती हूँ मैं, तो मैं वहाँ पे जाने के बाद ही दूसरे ब्लॉग में आप सबसे मिलूँगी। सो गाइस कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ इस ब्लॉग को। सो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। जितना हो सके इस ब्लॉग को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो जो कमेंट में बताइए, बुरा लगने से भी आप कमेंट में बताइए, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, जल्दी मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।